मैं सच बोल रही हूँ कहान, मैं नहीं जानती थी। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं ऐसा करती? तुमने वही किया जो तुम शुरू दिन से करना चाहती थी। तुम्हें लग रहा था कि तुम एक चलाकी करोगी बहुत अकलमंदी के साथ और पकड़ी नहीं जाओगी। वो जो असिस्टेंट है ना तुम्हारा, तुम जानती थी कि वो एडिटिंग बहुत अच्छी करता है, और तुम्हारी नजरों में आने के लिए उसने इतना घटिया काम कर दिया। आइडिया ही नहीं था, सच में मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। तुम्हें लगता है कि मैं किसी का बुरा चाहूंगी कहान? तुम कभी भी किसी का अच्छा चाह ही नहीं सकती हो लैला, क्योंकि उसके लिए नियत साफ होनी चाहिए, पर शायद ऐसा है ही नहीं। फिरोजे और उसके भाई को तकलीफ देने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया लैला। तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा, बस यही एक तुम्हारी गलती थी। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं ना लैला। देखो क्या हो गया। उस मासूम लड़की के लिए सच में परेशान थी मैं कहान, यकीन करो। मैं उसका बुरा क्यों चाहूंगी? तुम ऐसा ही चाहती थी। उस वक्त तुमने सिर्फ अपने लिए सोचा लैला। अगर मैं ना होता ना, तो उस मासूम शख्स की जिंदगी बर्बाद हो जाती लैला। तुम तो एक जिंदगी बर्बाद करने वाली थी लैला। बात सुनो, एक चिंगारी काफी होती है। उस एक चिंगारी से आज पता नहीं कितनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती लैला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो अब मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, दूर हो जाओ बस।